ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र में इन दिनों मौसम अलग अलग करवटें ले रहा है। वहीं चुनावी मौसम में राजनीतिक पारा भी चढ़ता दिख रहा है। एक तरफ बीजेपी ने यहां से जीतकर चार बार दिल्ली पहुंचने वाले निहाल चंद चौहान पर दांव खेला है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी खासे विचार विमर्श के बाद पूर्व सांसद भरत मेघवाल पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है। बता दें कि गंगानगर लोकसभा सीट का एक दिलचस्प इतिहास रहा है कि यहां से कभी कोई गैर मेघवाल सांसद नहीं बना। वर्तमान में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के निहाल चंद मेघवाल यहां से सांसद हैं। प्रदेश की गंगानगर लोकसभा सीट पर भले ही शुरू से ही कांग्रेस हावी रही हो, लेकिन बात की जाए पिछले दो दशकों की तो बीजेपी ने यहां अच्छी खासी पैठ जमाई है। बीजेपी के यहां पैठ जमाने का श्रेय वर्तमान सांसद व केंद्रीय मंत्री निहाल चंद चौहान को दिया जाता है, जिन्हें यहां की जनता ने चार बार जितवा कर दिल्ली भेजा है। वहीं साल 2009 के लोकसभा चुनाव में निहाल चंद को पटकनी देने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी भरत मेघवाल अब फिर से मैदान में हैं। यहां कांग्रेस के मजबूत नेता की छवि रखने वाले भरत समाज के साथ साथ अन्य समुदायों में भी अच्छी पकड़ वाले माने जाते हैं। श्री गंगानगर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दबदबे के तिलिस्म को तोड़ने वाले निहाल चंद को इस बार टिकट की पूरी उम्मीद थी और वे पहले से ही लोगों से संपर्क में जुट चुके थे। पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषणा के बाद निहाल ने अपना प्रचार अभियान और तेज कर दिया। इस क्षेत्र में पड़ने वाले कृषि मंडी क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर मत व समर्थन के लिए डटे हुए हैं और केंद्र सरकार की योजनाओं और मोदी लहर के चलते अच्छे रिस्पॉन्स का दावा भी किया जा रहा है। वहीं खासी कश्मकश के बाद कांग्रेस का टिकट पाने वाले पूर्व सांसद भरत मेघवाल भी प्रचार में जुटे हैं और पार्टी के घोषणा पत्र के साथ किसान कल्याण जैसे दावों की बात कर लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। हालांकि भरत मेघवाल का चुनाव प्रचार अभी निहाल चंद के मुकाबले धीमा बताया जा रहा है। आलम यह है कि कई विधानसभा क्षेत्रों में तो भरत मेघवाल के चुनाव कार्यालय तक अभी खोले नहीं गए हैं, लेकिन जनता के बीच पहुंचना जारी है। वहीं दोनों प्रत्याशियों के लिए पार्टी की अंदरूनी नाराजगी चिंता का विषय है, जिससे भीतरघात तक का खतरा दोनों उम्मीदवारों के लिए मंडरा रहा है। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। बात करें गांव गली और कस्बे शहर के आम मतदाता की, तो कहीं मोदी लहर और एयर स्ट्राइक के बाद माहौल में तब्दीली देखी जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी जनता के मूड को अब साफ तौर पर सत्ता बदलने वाला बता रही है। अपने अपने दावे ठीक है, लेकिन आखिरी फैसला तो जनता को ही करना तय है। बता दें कि बीते साल विधानसभा चुनाव में जीत कर प्रदेश की सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। वहीं कम मत प्रतिशत अंतर से हारी बीजेपी इस हार की भरपाई करने की रणनीति अपनाने लगी है। गौरतलब है कि साल 2013 के विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर आने वाली बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव में अलवर और अजमेर सीट कांग्रेस के हाथों गंवा बैठी। वहीं साल 2018 के आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने 73 सीटों के साथ बीजेपी को विपक्ष बिठाया और 99 सीटों के साथ कांग्रेस को सत्ता सौंपी। गौरतलब है कि श्रीगंगानगर जिले की 5 और हनुमानगढ़ की 3 विधानसभा को मिलाकर कुल 8 विधानसभा श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र में आती है, जिसमें गंगानगर जिले की सादुल शहर, गंगानगर, करनपुर, सूरतगढ़ और रायसिंह नगर और हनुमानगढ़ जिले की सांगरिया, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा विधानसभा सीट शामिल है। 2018 की आखिर में हुए विधानसभा चुनाव में इस 8 सीटों में से 4 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है, जिसमें बीजेपी ने सूरतगढ़, रायसिंह नगर, सांगरिया और पीलीबंगा सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने सादुल शहर, करनपुर और हनुमानगढ़ की सीट पर कब्जा जमाया। वहीं गंगानगर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। अब बात करते हैं गंगानगर लोकसभा सीट की, तो साल 2004 के चुनाव में निहाल चंद फिर सांसद बने, लेकिन साल 2009 के चुनाव में निहाल चंद कांग्रेस के भरतराम मेघवाल से चुनाव हार गए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में निहाल चंद मेघवाल ने चौथी बार इस सीट पर कब्जा जमाया और केंद्र सरकार में मंत्री बने। पॉलिटॉक्स के लिए तीर्थराज बरसलपुर की रिपोर्ट। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।